नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से जो है यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए, आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग डिटेल एडवर्टीजमेंट में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं रिगार्डिंग आपके जो भी इसमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ को ओपन कीजिएगा तो इसमें जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि ये आपका वैकेंसी निकाला गया है, गेट का पे निकाला, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ट्रेनिंग का। तो देखिए, जो आपका ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, तो ये जो आपका एक मिनी रत्न पीएसयू है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है ये। और देखिए, इसमें जो आपका यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें देखिए डिटेल में आपका दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का, जो कि सिविल वालों के लिए है, तो इसमें देखिए टोटल यहाँ पे आपकी 6 वैकेंसी है। और वहीं पे जो आपका है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल का, तो इनका देखिए 20 वैकेंसी है। और फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का इसमें देखिए टोटल 11 है, इलेक्ट्रिकल वालों का इसमें जो है आपका टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसी है, और इसके साथ में जो केमिकल वालों के लिए है इसमें देखिए 10 वैकेंसी दी हुई है। और इसके साथ में देखिए नीचे और भी आपका है, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो इनका देखिए टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी है, और मेटलर्जी वालों के लिए 1 वैकेंसी है। और इसके बाद में और इसमें भी निकाले गए हैं आपके, जैसे असिस्टेंट ऑफिसर कॉमर्शियल का, जो कि आपका इसमें 3 वैकेंसी इसकी है। इसके साथ में और भी यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का, जो कि इसमें आपका यहाँ पे 2 वैकेंसी दिया हुआ है। और देखिए, जो आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा आपका, तो ये जो है 24/7/2021 से लेके आपका जो है लास्ट डेट ये दिया हुआ है इसमें 13/8/2021 का, यानी कि 24 जुलाई से आपका ये स्टार्ट होगा और 13 अगस्त को लास्ट है इसका, यानी कि जो फॉर्म भरने का आपका लास्ट डेट टाइप में दिया हुआ है। तो ये जो है आपके लिए अच्छा मौका है, इसमें आप लोग इसको भी फिल कर सकते हो फॉर्म को। और देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एज की और एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सभी का दिया हुआ है, और इसमें जो लास्ट डेट है आपका एज का, और साथ में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो जो है आपका फुलफिल होना चाहिए 1/7/2021 तक का। तो यहाँ पे 1 जुलाई तक आपके जितने भी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाने, मतलब डिग्री जो आपका हो जाना चाहिए, और साथ में एज जो आपका रहेगा तो इसमें आपका यही डेट को काउंट किए जाएंगे। असेंशियल क्वालिफिकेशन की देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी आपकी है वैकेंसी इसमें निकाला गया हुआ है, तो सिविल वालों का है जो है इसमें देखिए दिया हुआ है कि फर्स्ट क्लास डिग्री आपका होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 4 ईयर का फुल टाइम का होना चाहिए आपका, और इसमें से मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। उसी तरीके से मैकेनिकल का है, तो मैकेनिकल डिसिप्लिन में आपका जो है इसमें डिग्री होना चाहिए, 4 ईयर का फुल टाइम का बीबीटेक जो रहता है, 65% मार्क्स जो है आपका इसमें रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का भी देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका 4 ईयर का बीबीटेक है तो अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देखिए, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 ईयर का बीबीटेक होना चाहिए, मिनिमम 65% मार्क्स। और उसी तरीके से केमिकल वालों का केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस वालों को देखिए, इनका जो है कंप्यूटर साइंस में 4 ईयर का आपके पास बीबीटेक विद 65% मार्क्स होना चाहिए। और बाकी देखिए, जो आपका एक मेटलर्जी का है, तो इसमें भी आपका मेटलर्जिकल में जो है आपका 4 ईयर का होना चाहिए डिग्री विथ मिनिमम 65% मार्क्स। और यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका अपर एज लिमिट की, तो इसमें देखिए 1/7/2021 से आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा, जो कि इसमें 30 ईयर्स आपका रखा गया हुआ है अपर एज लिमिट। और उसके साथ देखिए एक्सपीरियंस जो है आपका, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो ये जो है आपका रहेगा एग्जामिनेशन के बेसिस पे। और जो आपका असिस्टेंट ऑफिसर कॉमर्शियल ट्रेनिंग का है, तो इसके लिए देखिए क्वालिफाइंग डिग्री के 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स में आपका होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। अपर एज लिमिट देखिए इसका जो है ये 32 ईयर्स है, और ये 32 ईयर्स आपका ये असिस्टेंट ऑफिसर जो कोई कॉमर्शियल का आपका है इसका है, और बाकी जो बीबीटेक वाला जितने भी आपका रिक्वायरमेंट है इधर, जो आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ट्रेनिंग जो आपका इसमें दिया हुआ है, ग्रेजुएट जो आपका ट्रेनिंग का दिया हुआ है इसमें, तो इन सभी के लिए जो है 30 ईयर्स रखी गई है। और इसमें देखिए यहाँ पे आप और भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें देखिए दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करेंगे, तो जो क्वालिफिकेशन है आपका, तो जो डेट आपका दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट का, तो जो है आपका यहाँ पे ये हो जाना चाहिए, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपका ये हो जाना चाहिए यहाँ पे, और जिनका फुल टाइम रेगुलर कोर्स है तो वही कंसिडर इसमें किए जाएंगे। और इसके साथ में जो आपका दिया हुआ है कि क्लास 10 12th एग्जामिनेशन जो भी है, डिप्लोमा डिग्री आपका जो स्पेसिफाई मेंशन किया गया, तो ये सारे रेगुलर बेसिस पे ही आपके होने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना। और इसके साथ में जो है आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग जो आपका डिग्री है, तो वो बी बी टेक आपका रहेगा यहाँ पर।
और इसके साथ में देखिए यहाँ पे स्केल और ग्रेड पे जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का दिया हुआ है। तो एनुअल सिटी से जो आपका देखिए रहेगा इसमें आपका लगभग आपका यहाँ पे देखिए 17.70 लाख का रहेगा, और जो आपका नीचे दिया हुआ है E1 ग्रेड का जो रहेगा तो इसमें आपका रहेगा अप्रोक्सीमेटली 15.10 लैक्स का। ये है आपका अप्रोक्स सिटी सी है। और इसके बाद देखिए नीचे और भी यहाँ भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो देखिए जो प्लेसमेंट आपका रहेगा तो ये कहीं पे भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, जहाँ भी लोकेशन होंगे इसके तो कंपनी के तो वहाँ पे आपको जो है किए जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की देखिए हम बात करते हैं आपका इसमें, तो इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होगा, और उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका इसमें लिया जाएगा, और इसके साथ में ग्रुप टास्क भी यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन आपका होगा। तो ये सारे तीन क्राइटेरिया रखे गए हैं आपके, जो कि रखा गया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का, और जो भी कैंडिडेट फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो उन्हीं को जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका रहेगा तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आपका रहेगा, जिसमें कि निगेटिव मार्किंग देखिए यहाँ पे नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको नोट करना अच्छे से। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा तो इसमें चार सेक्शन आपके होंगे, तो चार सेक्शन में देखिए आपका कौन कौन सा है इसमें, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सेक्शन ए जो है आपका, तो ये टेक्निकल रहेगा यानी कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है आपका, जो कि ब्रांच से रिलेटेड आपके रहेंगे, जो डिग्री आपने लिया होगा तो उसी से रिलेटेड आपके रहेंगे टेक्निकल सेक्शन में। और वहीं पे देखिए जो सेक्शन बी आपका है तो इसमें आपका आएगा जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर का सेक्शन रहेगा इसमें, और सेक्शन सी में आपका इसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और सेक्शन डी में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका रहेगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कि जो 80% क्वेश्चन जो आपका रहेगा तो वो सेक्शन ए से आपके रहेंगे, यानी कि जो टेक्निकल पोर्शन जो है आपका तो इसमें 80% क्वेश्चन आपके रहेंगे। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो उन्हीं के बेसिस पे जो है मतलब मेरिट आपका तैयार किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन और आगे का जो पर्सनल इंटरव्यू होगा इसी के बेसिस पे। तो रिटर्न आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका, और मिनिमम जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको लाने होंगे दोनों स्टेज में, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की हम बात करते हैं तो इसके लिए भी है, और इसके बाद ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू भी है आपका, तो इन सभी में जो है देखिए आपको लाने होंगे यहाँ पे मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जितने भी स्टेज है आपके सीबीटी का, और साथ में आपका जो पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप टास्क है तो 50% रखा गया हुआ है। 50% मार्क्स मतलब आपको जो है इच स्टेज में आपको लाने ही है, तो ये मैंडेटरी है आपका। यहाँ पे सेक्शन वाइज की बात नहीं कहा जा रहा है कि आपको हर एक सेक्शन में 50%, मतलब ओवरऑल जो आपका रिटर्न है तो इसमें 50% मार्क्स आपको लाने होंगे, और लेटर ऑन जो स्टेज आपका ग्रुप टास्क होगा या फिर इंटरव्यू होगा तो इसमें भी आपको 50-50% मार्क्स जो है मार्क्स आपको लाने होंगे। और एग्रीगेट आपका मतलब सब सभी के जो वेटेज रहेगा उसके बेसिस पे ये किया जाएगा। और स्कोरिंग मॉडल देखिए किस तरीके से आपका रहेगा, यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 85% वेटेज आपका रहेगा जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एग्जामिनेशन होंगे उसके। और इसके बाद जो ग्रुप टास्क आपका है तो देखिए इसका केवल आपका 5% का वेटेज है, पर्सनल इंटरव्यू का आपका यहाँ पे 10% का वेटेज है, और फाइनल जो स्कोर आपका तैयार किया जाएगा तो जो कंबाइंड स्कोर आपके रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का साथ में जो ग्रुप टास्क का और पर्सनल इंटरव्यू का, तीनों को मिला के जो है आपका इसमें मेरिट लिस्ट तैयार आपका किया जाएगा। और ध्यान रखना कि आपको 50% हर एक स्टेज में आपको लाने हैं, मतलब कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो सभी में आपको 50% मार्क्स यहाँ पर लाना कंपलसरी है। और यहीं पे देखिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो देखिए जो एप्लीकेशन फ़ी आपका है तो ये देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है कि जनरल ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट है तो उनको जो यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है फ़ी पे करनी है, और बाकी देखिए जो कैंडिडेट ST SC और PWBD कैंडिडेट है तो उनको जो है एग्जेम्प्टेड किया गया है पेमेंट से, यानी कि इनके लिए कोई फ़ी पे नहीं करना है, फ़ी जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए पे करनी है। तो ये सभी में आप देखते हैं जितने PSU आते हैं तो ST SC और PWBD कैंडिडेट है तो उनको जो है एग्जेम्प्टेड किया ही जाता है लगभग, बाकी जो जनरल OBC EWS है तो उनको यहाँ पे जो है फ़ी पे करनी है, और ये दिया हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन आपका। इसके अलावा देखिए और भी इंफॉर्मेशन आपका इसमें से दिया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे तो वो जो है हमने आपको यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली बता दिया है। और देखिए ये जो है आपका एक अच्छा मौका है, और जो खासकर जो इसमें वैकेंसी दिया हुआ है मैकेनिकल वालों का है तो उनके लिए भी अच्छा मौका है, तो आप लोग जो इसको अच्छे से तैयारी करना, और इसके रिगार्डिंग क्लास भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।